السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. سورة زخرف आयत नंबर 83। शाबाश। सलाम। आयत नंबर 83 हम पढ़ चुके हैं, अभी 84 से शुरू करना। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صل عليه. جي अल्लाह की उलूहियत का जिक्र फरमाया, अल्लाह वो जात है जो आसमानों में इलाह है, माबूद है। वो फिल अर्द इलाह, और जमीन में भी वही इलाह और माबूद है। आसमानों में फरिश्ते पूजे तो सिर्फ अल्लाह को पूजे, क्यों? माबूद अल्लाह है। जमीन में इंसान पूजा करे सिर्फ अल्लाह की पूजा करें, क्योंकि जमीन में इलाह सिर्फ अल्लाह है, माबूद सिर्फ अल्लाह है। जहां जिसकी हुकूमत होगी वहां किसी और की हुकूमत को मानना उसकी नाराजगी का सबब बन जाएगा, वो खफा हो जाएगा, झगड़ा करेगा, कत्ल कताल करेगा। जब जमीन के अंदर एक बादशाह अपनी हुकूमत के कलमरों में दूसरे किसी को बादशाह मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो तुम लोगों से सवाल है, अल्लाह जमीन आसमान के बादशाह, इलाह माबूद खालिक रब, किसी और को जमीन और आसमान में क्यों कर इलाह मानेगा? कि उसकी इजाजत दे दे जिसकी मर्जी हो मेरी इबादत करे, जिसकी मर्जी हो दूसरे इलाह की इबादत करे। इसलिए चूंकि मालिक बादशाह जमीन आसमान का अल्लाह है, तो जमीन और आसमान में माबूद और इलाह भी अल्लाह है। अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लाहु। आयत नंबर 84। जमीन का अल्लाह कौन? अल्लाह। आसमान में इलाह कौन? अल्लाह। इसका बार बार तसव्वुर करो, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाएगी। उसका माबूद होना तस्लीम करना आसान हो जाएगा, उसके माबूद होने को तस्लीम करना आसान हो जाएगा।
सर्वासान ना होगा, बल्कि उसमें मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। समझ आ रही है? وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَتَبَارَكَ الَّذِي, और बड़ा ही बाबरकत है वो जात, बड़े ही बाबरकत है। लहू मुल्कु السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, जिसके लिए आसमानों की मुल्क और सल्तनत है, और जिसके लिए जमीन के मुल्क है। जमीन की मुल्कियत अल्लाह की है, आसमानों की मुल्कियत अल्लाह की है, वो मालिक है। जमीन और आसमान उसके ममलूक है, उसी के कब्जे कुदरत में है। और माँ बैनहुमा, जमीन आसमान के दरमियान जो कुछ है, उनका मालिक भी अल्लाह है, उन पर भी हुकूमत अल्लाह की है। तीन बातें हो गई, चार। वइंदहु इल्मुस्साआ, और उसी अल्लाह के पास क़यामत का वक्त मुअय्यन का इलम है। क़यामत के वक्त मुअय्यन का इलम अल्लाह ही के पास है, किसी और के पास है ही नहीं। वह इलैही तुरजाऊन, और उसी अल्लाह के तरफ तुम सब ने लौट के जाना है, पलट के जाना है, जिधर भी हो, जिधर भी रहो। अच्छा, जिधर भी हो, जिधर भी रहो, रहो रहो, लौट के जाना रब के पास है। जैसे एक आदमी यहाँ से अमेरिका चला जाए, वहां साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल मुलाजमत करे, उसके बाद वापस लाहौर आएगा। उसे पूछे किधर जा रहे हो, कहते पलट के वतन जा रहा हूँ, लाहौर जा रहा हूँ। क्यों, इधर नहीं रहेगा? कह नहीं भाई, इधर तो मेरा काम खत्म हो गया, अब इधर मेरा काम खत्म हो गया, मैंने पलट के अपने वतन लाहौर जाना। हाय, दुनिया के अंदर काम खत्म हो जाएगा, उम्र पूरी हो जाएगी, उम्र पूरी हो जाएगी, ड्यूटी खत्म हो जाएगी, तो पलट के जाना चाहिए कि नहीं? जवाब, जी जाना चाहिए। सवाल, किधर जाओगे? जवाब, रब के पास है, रब के पास जाना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें समझ आता फरमा दे, समझ आता फरमा दे। ये बात समझ में आ गई कि मैंने इधर नहीं रहना हमेशा के लिए, आखिरकार रब के पास जाना है, तो फिर आदमी उस जाने के लिए कोई तैयारी भी तो करे, तैयारी भी तो करे। जी आप लोगों से सवाल है, तुम अपने किसी इंतहाई काबिल एहतराम, हाँ जी, और मोहब्बत वाली सहेली के घर जाना चाहते हो, उनसे मिलना जाना चाहते हो, शायद 2 साल 5 साल के बाद, तो खाली हाथ जाओगे या जाते उनके लिए कोई तोहफा ले जाओगे? सवाल। जवाब, कुछ लेकर के जाएंगे उससे। बस बस, जजाक अल्लाह, जजाक अल्लाह। लेकिन टाइम दोनों बहुत लगा है, बड़ा आपस में मशवरा कर रहे थे कि क्या लिखें। चलो जजाक अल्लाह, जवाब सही आ गया, कुछ लेकर के जाएंगे। क्यों, अच्छा नहीं लगता उनसे हमारी दोस्ती है, ताल्लुक है, मोहब्बत है, तो उस मोहब्बत का इजहार इस तोहफे की शक्ल में हम करना चाहते हैं। ये बिल्कुल 100% सही है। अच्छा, ये जवाब सर तुम्हारा नहीं है, हर समझदार बंदा और बंदी का यही जवाब होगा। तो अब तुमसे दूसरा सवाल ये है कि जब हम दुनिया में रहेंगे और हमारे जाने का वक्त आ जाए, पलट करके रब के पास जाने, और इतने अरसे के पास जाना है, 60, 70, 50 साल के बाद, तो अब अपने साथ तोहफा कोई नहीं ले जाएंगे अपने रब को, जवाब ले करके जाना है। अब वो तोहफे की तैयारी करो, तोहफा तैयार करो, पैकिंग करो। अच्छा, सुभान अल्लाह, पैकिंग करो, तैयारी कर लो कि रब के पास जिस दिन जाना हो, हमारा तोहफा और गिफ्ट पहले से पैक हुआ हो, साथ ले करके जाएंगे, साथ ले करके जाएंगे। क्या है तोहफा? ईमान और अमल है, ईमान और अमल है, ईमान और अमल।
हमारे अदर शेख शेख सूफी सरवर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अपने अपने पास नेकियों के तेले भर भर करके रखो, जब कब्र में जाएंगे तो नेकियों के तेले भरी हुए ले जाएंगे, भरी हुए ले जाएंगे, ईमान और अमल साले। खैर खैर खैर, थोड़ा सा आहिस्ता ना। तो ईमान और अमल साले का तोहफा साथ लेकर के जाए, तो रब से मुलाकात होगी तो रब ताला फरमाएंगे क्या लेकर आए हो, तो आप वो तोहफा पेश करो, रबा तेरे शान के लायक तो नहीं है, बस बंदगी का ही हकीर सा तोहफा है, ये लेकर आए। और वो जात जो है ना, सुबहान अल्लाह, उसकी एक नामी नामी सिफत ग्रामी है, अशकूरो। अशकूर का माना होता है कि वो मामूली को भी अच्छा कबूल फरमाता है, उसके कदरदानी करता है, कदरदान कदरदान। आए हाय हाय हाय, बच्चा जब पहली क्लास में पढ़ता है ना जी, वो होमवर्क को अच्छी तरह लिखता है, अब्बा को पता है कि तो मेरी लिखाई के मुकाबले में तो जीरो है जीरो, लेकिन बच्चे को चूमता है, शाबाश मेरा बेटा, ये ले लो 100 रुपए इनाम, तूने बहुत अच्छा लिखा है। क्या हो रहा है, आप देखकर चुप चुप कर हंस रही है, क्यों? इसी के अब्बा क्या कह रहे हैं बच्चे को, बच्चे की लिखाई तो बड़ी निकम्मी बेकार है। नहीं, वो उस वक्त अब्बा उसके उस लिखी हुई दो चार गलत सलत लफ्जों की भी बड़ी कदर करता है ताकि बच्चा खुश हो जाए। अल्लाह पाक है हर मिसाल से, अल्लाह पाक है हर मिसाल से, अल्लाह पाक है हर मिसाल से, वो हर मिसाल से पाक। أشهد أن لا إله إلا الله الشريك، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. जी अल्लाह जल्ले जलालू कदरदानी फरमाते हैं, वो शकूर है, शकूर, व इलैहि तुरजाउन, उसी के तरफ तुम सब लौटे जाओगे। हाँ, जाना कोई नहीं भी चाहेगा, फिर भी उसको लुटाया जाएगा रब की तरफ। आगे आयत के नंबर 86, वला यमलिकु लदीन यदउन मिन दूनिही शफाअत, जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं, वो ला यमलिकु शफाअत, वो सिफारिश के मालिक नहीं होंगे, उनके पास किसी किस्म के सिफारिश के इख्तियार नहीं होगा। क़यामत के दिन की बात है, इल्ला मन शहिद बिल हक़ व हुम यालमून, मगर हाँ वो लोग जिन्होंने हक बात की गवाही दी। हक बात क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हक बात की गवाही दी है, और वह हुम यालमून, और उन्हें उसका इल्म भी हो, इल्म हो, यकीन हो कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं, जो अल्लाह के गैर को अपना सिफारिशी मानते हैं, क़यामत के दिन उनको किसी किस्म के कोई सिफारिश का हक नहीं होगा। जो अल्लाह की तौहीद, नबी के रसालत का इल्म रखते हैं, उसके गवाही देते हैं,
दिल से तस्दीक करते हैं, ये मोमिन कहलाते हैं। वो मोमिन जो होगा ऐसे लोगों की सिफारिश अल्लाह ताला की इजाजत से कबूल की जाएगी, दर्जा बदर्जा क़यामत के दिन सिफारिश होंगे, दर्जा बदर्जा तो ईमान वालों की भी सिफारिश होगी और वो भी कबूल की जाएगी। आयत नंबर 87 फरमाया, वला इन सअलतहुम मन खलकहुम लयकूलुन अल्लाह फअन्ना युफकून। अगर आप इनसे पूछो कि इनको किसने पैदा किया तो ये जरूर कहेंगे लयकूलुन, लामी ताकीद नूनी ताकीद, तो ये जरूर ब जरूर कहेंगे अल्लाह, अल्लाह ने पैदा किया। फअन्ना युफकून, तो फरमाया इसके इसको जानते हुए भी तो फिर ये कहाँ के कहाँ फिरे जा रहे हैं है? कहाँ फिरे जा रहे हैं? जब जानते हो तो फिर उसके साथ शरीक क्यों ठहराते हो? وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله और पैगंबर की इस बात का इल्म अल्लाह को है कि पैगंबर ने कहा या रब्बे ए मेरे परवरदिगार, इन हाउलाए कौमुन ला युमिनून, कि बेशक ये लोग ऐसे हैं जो कि ईमान नहीं लाते। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, वो चाहते हैं कि एक एक काफिर भी ईमान ले आए, सही, इसके बावजूद भी आपके कौम ने मुखातबीन ने आपके गायद दर्जे ईमान लाने के हिर्स के बावजूद आपकी बात को न माना और इनकार किया, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, शिकायत करेंगे, इन्नहा उलाय कौमुन ला युमिनून, ए मेरे अल्लाह ए मेरे रब, ये वो लोग हैं कि जो ईमान नहीं लाते। जी जैसे आपकी सिफारिश कबूल है ऐसी ही आपकी शिकायत करने पर भी इन लोगों के खिलाफ अमल होगा, तो फरमाए मेरे नबी इसका गम ज्यादा न कीजिएगा, फसफह अनहुम वकुल सलामुन, आप इनसे एराज कीजिएगा, आप इनके परवाह न कीजिएगा, वकुल और कह दीजिएगा सलामुन, फसौफ यालमून, अन करीब ये लोग जानेंगे, इनको पता चल जाएगा। यहाँ सलाम से मुराद वो सलाम नहीं है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुलाकात के वक्त करता है और उसको दुआ देता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहता है, बल्कि इस सलाम से मुराद है कि आप अच्छी तरीके पर उनसे इनसे किनारा कश हो, ताल्लुक खत्म कर ले। ये सलाम इबादत नहीं है जिस पर आपको हुक्म है कि मुसलमान मुसलमान को सलाम करे, बल्कि वइजा मर्रु बिल्लग्व मर्रु किरामा है जी, वइजा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, ये वो वाला सलाम है कि जब ये लोग जाहिल बन गए और जानते हुए भी जिद के वजह से नहीं मानते और
कबूल नहीं करते तो फिर आप सलाम कह करके इनसे गुजर जाए, इनसे बहस मुबहसा न करें। जी, ये आयत नंबर 89 पर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ये सूरत सूरत ज़ुख़रुफ़ ख़त्म हो गई। उसके बाद अगली सूरत दुखान है। क्या है? दुखान। सूरत दुखान के बारे में हज़रत फरमाते हैं कि ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब अल्लाह तबारक व ताला ने मक्का के काफिरों को तंबीह करने के वास्ते कहत नाजिल फरमाया। फिर उस कहत के ज़माने में ये लोग कच्चे चमड़े खाने पर भी मजबूर हो गए। फिर मक्के का सरदार अबू सुफियान जनाब नबी करीम सल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और उसने दरख्वास्त पेश की कि आप दुआ कीजिएगा कि मक्के वालों से कहत दूर हो जाए। हम वादा करते हैं अगर हमसे कहत दूर हो गया तो हम ईमान लाएंगे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने अहले मक्का को कहत से निजात दी। लेकिन ये लोग फिर अपने वादे से फिर गए और ईमान नहीं लाए। चुनांचे इसी सूरत में पूरा वाक़या आ रहा है। फिर आगे फरमाया कि एक दिन आसमान पर धुआं ही धुआं नजर आएगा, धुआं ही धुआं नजर आएगा। और धुएं को अरबी में दुखान कहते हैं, इसलिए सूरत का नाम क्या है? दुखान। दुखान चूंकि मक्की सूरत है इसलिए इसमें भी तौहीद, रिसालत और आखिरत के मज़ामीन का तज़किरा होगा। 59 आयात और 3 रुकों पर मुश्तमिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम, हवामीम का सिलसिला चल रहा है, उनमें से एक ये भी हामीम आ गया। अल्लाह इसके मुराद को खूब जानते हैं। वल किताबिल मुबीन, और कसम है इस किताबी मुबीन की। मुबीन का माना होता है वाजेह करने वाला। चूंकि ये किताब हक को खूब वाजेह करता है इसलिए इसको मुबीन कहते हैं। यल किताब की सिफत है। इन्ना अनज़लनाहु, बेशक इस किताब को हमने नाजिल किया। फी लैलतिन मुबारकतिन, मुबारक बाबरकत रात में। इन्ना कुन्ना मुंजरीन, बेशक हम ही है डराने वाले, हम ही है डराने वाले। जिस रात में कुरान को नाजिल किया वो रात लैलतुल कद्र की है, इसलिए मुफस्सिरीन लैलत मुबारकतिन से लैलतुल कद्र मुराद लेते हैं, जबकि बाज़े हजरात इसे 15वीं शाबान यानी शबे बारात मुराद लेते हैं। फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात के अंदर हर इसी रात में हर हकीमाना अमर का हमारे तरफ से फैसला हो जाता है, उसे तय किया जाता है। अमरम मिन इंदिना, इन्ना कुन्ना मुरसिलीन, ये हमारी ही तरफ से अमर होता है, किसी और के तरफ से नहीं होता। इन्ना कुन्ना मुनजरीन, बेशक हम ही, इन्ना कुन्ना मुरसिलीन, बेशक हम ही भेजने वाले हैं। पैगंबर का भेजना हमारे जिम्मे होता है। रहमतम मिन रब्बिक, और अरब की तरफ से ये मिन रब्बिक, तेरे रब की तरफ से रहमतन, ये रहमत का मामला है। इन्नहु हुस्समीउल अलीम, बेशक वही खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। रब्बिस समावाति वल अर्ज, वो आसमानों और ज़मीन का परवरदिगार है। वमा बैनहुमा, और उन दोनों के दरमियान का भी परवरदिगार है। इन कुंतुम मुकिनीन, अगर तुम यकीन करने वाले हो। ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। युहयी व युमीतु, वही जिंदा करता है और वही मार देता है। रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुम अल अव्वलीन, व
वो तुम्हारा भी परवरदिगार है और तुम्हारे अव्वल पहले गुजरे हुए लोगों का भी वही परवरदिगार है, उसी के कब्जे में है। जी, 15 शाबान की जो रात है वो रात निसफ शाबान, वो भी बड़ा अहम है जिसे हम शब बारात कहते हैं। तो उस रात में जो साल भर के वाकयात होते हैं अल्लाह सुबहान व तबारक व ताला फरिश्तों के हवाले करते हैं उन वाकयात को, जो रोनमा होने वाले हैं उस साल उसे फरिश्तों के हवाले करते हैं। इसलिए 15 शाबान की रात मुबारक होती है, बाबरकत होती, और शब कदर बाबरकत और मुबारक है कि उसके अंदर कुरान पाक जो है वो लोहे महफूज से आसमानी दुनिया बैतुल मामूर पर नाजिल हुआ है यकदम सारा का सारा, और फिर बैतुल मामूर से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर हजरत जबरील अलैहिस्सलाम थोड़ा थोड़ा सूरत सूरत आयत आयत जितनी जरूरत होती है 23 साल में लाकर मुकम्मल फरमा चुके। बल हम फी शक की लाबून, बल्कि ये लोग जो है ये काफिर लोग जो ईमान नहीं लाते क्या है, फी शक के ये शक में पड़े हैं, ये लाबून और खेल रहे हैं, उन्होंने यहाँ इस दुनिया की जिंदगी को खेल तमाशा समझा है ना, आखिरत के बारे में तो यकीन है नहीं बल्कि शक है, और यहाँ खेल रहे हैं कूद रहे हैं दुनिया में मस्त है। तो आगे इंशाल्लाह फरतकिब से कल पढ़ेंगे, वक्त टाइम पूरा हो गया, बाकी इंशाल्लाह कल। وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللہ کریم ہمیں ایمان پر استقامت دے دے اور عقائد کی درستگی اور اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما دے اور اتباع سنت سے معمور رکھے اللہم ربنا آمین وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ